वेलकम टू माय चैनल। स्वागत है आपका महालक्ष्मी रियल किचन में। आज हम बनाने जा रहे हैं मटर की गुजिया। तो उसके लिए मैंने क्या किया है, मटर को बिना पानी डाले इसको मिक्सर में मोटा मोटा सा पीस लिया है, और थोड़ा अदरक लहसुन का पेस्ट है, थोड़ी हरी मिर्ची है, चिली फ्लेक्स है। तो हम शुरू करते हैं। इधर एक पैन लगाया है, इसमें डालेंगे 2 से 3 टीस्पून ऑयल और इसको गरम होने देंगे। अभी तेल गरम हो गया, इसमें डालेंगे 1 टीस्पून जीरा, अदरक और लहसुन का पेस्ट, हरी मिर्ची भी डाल देंगे इसमें। अभी डाल देंगे ये पीसा हुआ मटर। ये बिल्कुल बारीक नहीं पीसेंगे इसको, जैसा मैंने पीसा है बस वैसा ही बिना पानी डाले। दो मिनट भूनने के बाद इसमें सारे मसाले डालेंगे। अभी 2 मिनट मैंने मटर को भून लिया है। अभी इस स्टेज पे डालेंगे थोड़ा सा, मतलब 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, गरम मसाला, जीरा पाउडर, और नमक टेस्ट के अकॉर्डिंग, और ये जो चिली फ्लेक्स लिए थे मैंने उसको भी डाल देंगे। ये ऑप्शनल है, अगर डालना चाहें तो डाल सकते हैं, नहीं तो हरी मिर्ची मैंने डाला हुआ है पहले, ये टेस्ट को थोड़ा सा और बढ़ा देता है। अभी हमारा मटर भुन चुका है और इसमें हम डालेंगे धनिया, कटा हुआ धनिया, और अभी हम गैस को करते हैं बंद और इसको ठंडा कर लेंगे। जब तक हमारा मटर ठंडा हो रहा है तब तक हम ये आटा लगा लेते हैं। इसके लिए मैंने लिया है 1.5 कप मैदा, और इसमें डालेंगे हम थोड़ा सा अजवाइन, थोड़ा सा नमक, और थोड़ा सा ऑयल, बस। अब हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अभी ये अच्छे से मिक्स हो चुका है तेल। अभी हम इसको पानी डाल डाल के, थोड़ा थोड़ा पानी डाल डाल के गूंदेंगे इसको, आटे को। अभी ये आटा पूरी तरह से मैंने बना लिया है। अभी हम इसकी छोटी छोटी लोइयां बनाएंगे। अभी हम लोइयों को बेल लेंगे छोटा छोटा, पूरी के साइज का। और 1 स्पून की सहायता से इसमें हम इसके स्टफिंग को, जो मटर का बनाया है वो बीच में डाल देंगे।
और किनारों पे पानी लगा देंगे। पानी लगा करके अच्छे से इसको सील कर देंगे। बस इसी तरह से हम सारी लोइयों को बेल लेंगे और उसमें स्टफिंग को भर के गुजिया का सेप दे देंगे। अभी मैंने एक कढ़ाई रखा है तेल गरम करने के लिए, चेक करते गरम हो गया है क्या। हाँ, ये गरम हो चुका है। तो अभी हम इसमें अपनी गुजिया को डाल देते हैं और लो मीडियम आग पे ही अच्छे से फ्राई कर लेंगे। बस ये गुजियों को गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करेंगे। तो तैयार है हमारे चटपटे करारे मटर की गुजिया। अगर ये रेसिपी आपको पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू।